हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग की। मेरा नाम मीना है और सुबह के बज गए हैं 9:30। पता क्या है, आजकल काम करने का पता ही नहीं चलता काम कितना कितना जावे। सारे बर्तन बाहर मांजने पैंदे, दिल भी नहीं करता बाहर मांजन। सारे बच्चे भी घर के चलाते हैं कि जेड़ा अपने टिकाने ते काम होंदा वो अपने ते होंदा। हुण जद दी रसोई हो गई है जद बस दिल ही नहीं करता कि असी बाहर भांडे मांजिए। हुण भी मैं मांजने पर कुछ सैटिंग जी नहीं आती बाहर भांडे मांजन की। हाँ देखो कि खलारा पे वो भांडे मांजने। अज मिस्त्री लगे उसी उस शेयर कर दें, दस मिनट मिनट है देखो दिखता नहीं। मैं तो दूसरी तरह देखो अज सवेरे मिस्त्री शेयर कटन आया उस लंबा नू शेर क्या इतने वो लानी चिमनी लानी चिमनी का बाहर धुआं कढ़न ली है अंदर तो लानी है। मिस्त्री आए हुए हैं, मिस्त्री ने हूँ काम कराया कर दिया है। मेरे भांडे देखो कि ढेर लगे वो दिल ही नहीं करता इतने मांजन। फिर जो टिकाने का काम हों अपने टिकाने से ही होंगे है, क्या करिए। सारा खलारा देखो कि दुध भी पिया वा, काम करिए सैटिंग जी नहीं आती है। इधरों ओ है कटे मगोरी आ वॉश विशर लग गया है। हम मिस्त्री आ टैला की कराया करते सैटिंग है, बाहर एक टैल की हो गई है कराया करते दूजे की है बाद करनी है भी सैटिंग। सुन भी दस दी है बाहर टैला भी जिदा किदा कराया करते सैटिंग। मैं इतने तो नहीं बोली, मैं क्या शोर से सुनाई देना है। देखे उदा गुलाई पाया कहते डिजाइन बनाने ली ये जो शेप जी है उन्होंने बनाना है यदि वो कराया करते हे। फिर अज सारा झाड़ना सारा कोई ढक ढुक के रखा टीवी टूवी उधर बैड पर भी दिता वाए कमरे कुमरे भी बंद करने का कि अज गंदगी बहुत पैनी है। सब दरवाजे लाने पैने हम मैं कल फटाफट भांडे मांज लू। एक मिस्त्री भी ना लाइटा बाल जाते मैं बड़ा होंदा पखे भी चलते लाइटा भी चल दिया मैं बार बार आके बंद करती रही है। हम मैं जरा भांडे मांज लवान फिर बाकी तो बाद चू कर दी है। रोटी भी खानी अच्छे भी रोटी खाए बगैर चल गई क्योंकि मैं वो आ गए मिस्त्री आ गए पहले टूटिया बंद टूटिया नलके की टूटिया खोलिया हे बारी सारे खोल क्योंकि रगड़ाई होनी सारी खोल दी है। हम देखते किदा कि रगड़ाई करते हैं। हम अरे खलारा जहा बहुत पैना है। हूँ भांडे मांजन चली है तो बाद मिलती हैं भांडे मांज के खलारा चक्कर दिल ही नहीं करता। जे टिकाने से रसोई दी होंगी हुई है एक तो सारे घर का उदा ही हो गया इन्ना काम कराना हों खलारा तो इदा पिया वा ना जो मैंने पूरे घर का ही कराना हों। चलो बाद जो भी कोई काम कराना हो पहला हमेशा जो मकान पाते उसी वेल कराना चाहिए। बिच रह के काम करवाने का बहुत ज़्यादा औखा है उस वे सू भी इन्ना पता नहीं क्योंकि थोड़ा पैसे की भी कमी खा जाती बंदे नूं। असीं सोचा चलो हुण करान लगे थोड़ा जिहा खलारा जिहा बहुत ज़्यादा पिया करदा है। सारे कुछ खलारा ही खलारा है बड़ा अजीब जिहा लगिया करदा है। सारे रेता ही रेता असीं कदे चप्पल पा के नहीं अंदर आते सी हुण चप्पला पावा के अंदर घूमिया करते हैं। अज माता का मंदिर भी चक हो जाना है देख देख भी अंदर रखते हैं। देखिए दूर ही दूर है बहुत ज़्यादा साफ ही नहीं लिया जाया करता सारे कमरिया धूड़ धूड़ सभी पैर भी गंदे हो रहे हैं हमारे। मैं काम कर रही हूँ अंदर बैठ कर इसलिए देखिए कैसे सारा अस्त व्यस्त हो गया है कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हम आ गए हैं अंदर को क्योंकि बाहर तो बैठा ही जा रहा है। आयुष आ गया है एक्टिंग ज़्यादा करता है। शाम के 5 बज गए हैं हमारे घर में इतनी गंदगी है इतनी गंदगी। आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई क्यों मैं मशीन कपड़े नहीं सिल सकती बहुत ज़्यादा सभी तरफ डस्ट ही डस्ट डस्ट ही डस्ट है। बैठना उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। सिर्फ 2 कमरे हैं जो हमने रखे हैं साफ थोड़े साफ भी वैसे कैसे नहीं है साफ भी नहीं है है तो गंदगी सभी तरफ गंदगी गंदगी है ना बैठ सकते ना उठ सकते सारी चीज़ें सब चीज़ों के ऊपर धूड़ 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 पड़ी हुई है।
आजकल इलेक्शन के दिन है तो आजकल लोगों के यहाँ पर देखिए, लोगों के ओए छुट्टी पर चल के देखते हैं, क्योंकि नीचे तो कमरे में बंद होके एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर हवा भी नहीं चल रही, बंद 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 बंद, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उधर मेरे काम भी बहुत ज़्यादा है, कपड़े लोगों का देने हैं, और इधर बहुत बेटेमा काम शुरू किया है हमने। आज हमारे यहाँ बारिश भी हुई है खूब सारी, हमारे सभी बर्तन बुर्तन जो पिछले पास रखे हुए थे वो भी गीले हो गए, गंदगी बहुत ज़्यादा है अभी हमारे पास। सामने देखिए सूरज कैसे छुपा हुआ है बादलों में, हर तरफ बादल बादल थोड़े थोड़े, अभी थोड़ा फिर भी मौसम ठीक है पर फिर भी बादल थोड़े है, पर ये बात है कि बारिश होने के कारण थोड़ा ठंडक हुई ना, तीन चार दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लगता है नीचे कोई आ गया है, मैं जाकर देखती हूँ। ये देखिए हमारे घर की हालत कैसी हुई है, ये दरवाजे, ये फर्श बिल्कुल डस्टी डस्ट, ये देखो कैसे ढक कर रखे हैं, हमारी सभी चीज़ें खराब हो रही है। फ्रिज का पता नहीं क्या होगा, बंद रखा है, तार भी निकाल दिया, सब्जियां ख़राब हो जाए। इधर भी है गंदगी गंदगी, इधर देखिए आयुष सोया हुआ है, बस इसी कमरे में हम बैठे हैं, खाया करते हैं, पिया करते हैं, जो भी करते हैं इसी कमरे में कर रहे हैं। फिर से इस कमरे में आ गई, बाहर थी पर कोई आया था, फिर उनसे मिलकर मैं अभी इसी कमरे में आ गई। सो मेरे से आँख लग गई, आयुष कह रहा है बीच में दिख जाए, कोई बात नहीं ऐसे हो जाता है, आँखें कभी कभी बच जाती है, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आँखा भी बची जाती है, और क्या है। बस सुबह से ऐसे ही लेटा हुआ है जी, फोन देख रहा है, फोन देख रहा है, बिल्कुल फोन। सुबह में स्कूल में गया था, वो स्कूल से आकर इसी कमरे में है, ना कोई काम ना कुछ, बस इसी में। अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया आलू उबालने, सब्जी बनाने के लिए मैं अभी आलू उबालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पंखा बंद कीता, गर्मी हो जाती है इसी कमरे की, ऐसा कुछ हूँ मैं शाम का काम करना, अभी मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करने, मैं अभी आई है, अभी मैं बर्तन साफ करूंगी, फिर आपसे मिलूंगी।